जब इंसान अपने कर्तव्य की सीमा को दिशा, देश और काल के दायरे से ऊपर उठा देता है तो उसके लिए जिंदगी, मौत, देश और काल मायने नहीं रखते। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण करने के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल खासतौर से वहां मौजूद थी। कभी कैद थे जिस जगह महात्मा गांधी, अब उसी जेल के आंगन में उनकी मौजूदगी का एहसास होगा। ब्रिटेन में पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत आने से पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। महात्मा गांधी की उसी याद में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की उस जेल में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। This is a country with which India and the people of India have very deep-rooted links, links that have changed the course of India's history. The people of India owe a deep sense of gratitude to South Africa for giving us the Mahatma. ये प्रतिमा उसी पुरानी जेल में रखी गई है जहां बापू को कैद किया गया था। बापू की पीतल से बनी इस प्रतिमा को भारत सरकार की ओर से उपहार में दिया गया है। इस मौके पर बापू की परपौत्री आशीष गांधी भी मौजूद थी। समय के लिए जोहान्सबर्ग से विजय राय।